कांग्रेस पार्टी की सरकार करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी, यह आज मैं आपको बताने आया हूं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना, हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने थकाठक 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 थकाठक। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाइयों और बहनों, सीधी सी बात है और महिलाएं ये बात अच्छी तरह समझेंगी। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं, सही सही। मनरेगा महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, सही। तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है, सही ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है। खाना भोजन बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान की, के भविष्य की रक्षा करती है। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। यह बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे, मगर यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, यह समझ गई बात। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने तगाटक 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 तगाटक। दूसरी बात, यहां बहुत सारी आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उनको सीधा मैसेज देना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार में और पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। ये थी पहली लाखपतियों की लिस्ट, अब मैं आपको दूसरी लाखपतियों की लिस्ट देने जा रहा हूं। पहली लिस्ट में हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को हम 1,00,000 रुपए देने जा रहे हैं। अब आप कहोगे करोड़ों लाखपति तो आपने यहां बना दिए, अब कहां बनाओगे? अब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत तंग किया। पहले उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उसके बाद नोटबंदी कर दी, गलत GST लागू कर दी और बेरोजगारी पूरे देश में फैला दी। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। युवा, करोड़ों युवा सड़कों पे, कस्बों पे आगे पीछे दौड़ते हैं रोजगार ढूंढते हुए, और अमीर घर के बेटे क्या करते हैं? अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब जॉब मार्केट में जाने से पहले हिंदुस्तान का हर अमीर परिवार अपने बेटे को बेटी को 6 महीने की 1 साल की टेम्पररी नौकरी देते हैं। वो नौकरी उन्हें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में दी जाती है और उनको इस नौकरी के लिए पैसा मिलता है। ये अरबपति लोग, बड़े बिजनेस वाले अपने बच्चे को इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। एक प्रकार से मान लो पेड ट्रेनिंग हो जाती है और जॉब मार्केट में घुसने का तरीका है ये, एक प्रकार से जॉब मार्केट में घुसने का रास्ता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती, भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, मगर कोई इनकी सुनता नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं सुनते। तो हम पहली बार, दुनिया में पहली बार एक नया कानून ला रहे हैं, जो सुविधा हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर
बेरोजगार युवा को देने जा रहे हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में सबसे पहली सरकार होने जा रही है जो अपने युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। सीधा सा मामला है, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को यह अधिकार दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको एक साल की अप्रेंटिसशिप, एक साल की नौकरी हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करके देने जा रही है। एक साल में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको नौकरी मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी। और भाई और बहनों, सिर्फ ट्रेनिंग और नौकरी नहीं मिलेगी, बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद, एक साल के बाद, हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। तो भाई और बहनों, उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं, हैं? अब किसान कहेंगे, राहुल जी आपने महिलाओं की बात कर दी, आपने बेरोजगार युवाओं की बात कर दी, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान के प्यारे किसानों, ये जो 1,00,000 रुपए महिलाओं के जाएंगे और 1,00,000 रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जाएंगे, ये आपको भी मिलेंगे क्योंकि आपके घर में भी ये पैसा आएगा। मगर वो शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया, हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अभी भैया मूड नहीं बना, ताली मत बजाओ, मैंने बात खत्म नहीं की। क्रांतिकारी बात अब बोल रहा हूं, वो तो नॉर्मल बात थी कर्जा माफ वाली, क्रांतिकारी बात सुनो। हम एक किसानों का आयोग बनाने जा रहे हैं और यह आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, यह आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा एक बार नहीं अनेक बार होगा। मेरा कहना है इस देश में धन की कोई कमी नहीं है। भाइयों और बहनों, आप देखो अरबपतियों की ओर देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके हवाई जहाजों को देखो, धन की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का भी कर्जा माफ हो सकता है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं, आप उनका करो मगर फिर किसानों का भी करो, अगर किसानों का नहीं कर रहे हो तो फिर उनका भी मत करो। अब आखिरी और सबसे मजेदार बात, आज मैं आपका मूड बनाने आया हूं, आज मैं आपको खुश करने आया हूं, नया सपना दिखाने आया हूं। अब सबसे मजे की बात, ये जो मैंने आपको बताया ये तो शुरुआत है, मगर क्रांतिकारी बात भाई और बहनों, ये देखो, ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनकी ओर देखो। नमस्कार, नमस्कार, आपसे सवाल पूछता हूं। टीवी पे आपने गरीबी कभी बात देखी? आपने किसी भूखे इंसान को, किसी गरीब किसान को, किसी मजदूर को टीवी पे देखा? 90% आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। भाई और बहनों, ये टीवी पे कभी दिखते क्यों नहीं? आपने कभी टीवी पे देखा कि किसान की बात हो रही है ना, मजदूर की बात होते हुए देखी? किसी बढ़ई को आपने टीवी पे देखा? किसी नाई को, मोची को, बढ़ई को, छोटे फैक्ट्री वाले को टीवी पे देखा? कभी नहीं। अमिताभ बच्चन देखा? विराट कोहली देखा? टीवी पे पाकिस्तान की बात सुनी? चाइना की बात सुनी? मगर हिंदुस्तान की जनता की बात कभी नहीं सुनी।